A very good morning to all of you. Today, we will recite and learn a poem called Homes. Home, you all know what it means. Home is a place where we live. Our home is the best we always think, right? हमें हमारा घर ही सबसे अच्छा लगता है. अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं किसी के घर, हमारे relatives के घर या अपने friends के घर, फिर भी हमें सबसे ज़्यादा कब अच्छा लगता है? जब हम अपने घर वापस लौट आते हैं. तो टुडे वी विल रिसाइट अ पोएम कॉल्ड होम्स. विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर होम? आपके घर में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? दैट यू हैव टू स्पीक अबाउट इन योर क्लास. आप ये अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं और आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लेस अपने घर में सबसे अच्छा लगता है. नाउ वी विल रिसाइट द पोएम. आई माइट हैव लिव इनसाइड अ शेल इफ आई हैड बीन अ स्नेल और इन अ ग्रेट वाइट टॉसिंग सी इफ आई हैड बीन अ व्हेल और इन अ नोजी बिजी हाइव इफ आई हैड बीन अ बी Or a bunny in a burrow eating lettuce for my tea. I might have had a kennel home if I had been a dog. Or a mud hole in a river bank if I had been a frog. I might have been a tiny bird and live inside a nest. But oh, I'm glad I'm just a child. I think my home is best. This way you can recite the poem and you can learn it more easily and more quickly. अगर इस तरह से आप poem को recite करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाता है. तो आप इस video को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये poem recitation learn हो जाए in ट्यून एंड मेलेडी. अब हम पोएम का मतलब समझेंगे. आई माइट हैव लिव्ड इन अ शेल इफ आई हैड बीन अ स्नेल. अगर मैं स्नेल होता, पिक्चर देखिए, तो मेरा घर क्या होता? शेल. स्नेल क्या करता है? जब भी उसका कोई एनिमी या कोई जो उसे खा जाएगा, वो क्या करता है? वो अपने स्नेल, अपने शेल के अंदर घुस जाता है ताकि उसे कोई हर्ट ना कर पाए, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए. तो उसका सेफ प्लेस क्या है? उसका शेल. और इन अ ग्रेट वाइट टॉसिंग सी इफ आई हैड बीन अ व्हेल. अगर मैं व्हेल होता तो आई वुड लिव इन सी. मैं समुद्र में रहता. यहाँ पे टॉसिंग सी क्यों बोला है? टॉसिंग का मतलब होता है मूविंग अप एंड बैक मूवमेंट ऑफ सी. आपने समुद्र में देखा होगा क्या होता है, वहाँ पे जो पानी है वो वेव्स में आता है ना, वेव्स में आता है और फिर वापस चला जाता है. लहरें आती हैं, लहरें उठती हैं समुद्र में. तो इसीलिए उसे टॉसिंग सी कहा गया है कि अगर मैं वेल होता तो मैं टॉसिंग सी में रहता. और इन अ नॉइजी बिजी हाइव इफ आई हैड बीन अ बी. और अगर मैं बी होता तो मैं एक नॉइजी बिजी हाइव में रहता. नॉइजी बिजी क्यों बोला गया है हाइव को? हाइव मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता. जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बहुत सारी मधुमक्खियां हैं. मधुमक्खियां क्या करती हैं? वो फ्लावर से नेक्टर मतलब जूस कलेक्ट करके लाती हैं और अपने हाइव में उसको रख देती हैं. उनका जो हाइव होता है उसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं और इसमें बहुत सारा हनी होता है. वो सारा दिन यही काम करते हैं और उनकी जो साउंड होती है वो ऐसी होती है. इस वजह से नॉइजी बिजी कहा गया है. और अ बनी इन अ बरो ईटिंग लेटस फॉर माय टी. और अगर मैं एक बनी होता मतलब एक रैबिट होता, हेयर होता, तो मैं अपने बरो में रहता. बरो मतलब क्या होता है? जो रैबिट्स होते हैं वो ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उनमें रहते हैं. एंड ईटिंग लेटस फॉर माई टी मतलब जो रैबिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ईटिंग लेटस फॉर माई टी. दे डोंट ड्रिंक टी, वो टी नहीं पीते. यहाँ पे बोला गया है कि आई वुड ईट लेटस इन द बरो. मैं बरो में
मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ पे वो लेटर्स खाता। आई माइट हैव हैड अ कैनल होम इफ आई हैड बीन अ डॉग, अगर मैं डॉग होता तो मैं कहाँ रहता, इन कैनल। डॉग्स कहाँ रहते हैं, इन कैनल, उनके होम को क्या कहते हैं, कैनल। और अ मड होल इन अ रिवर बैंक इफ आई हैड बीन अ फ्रॉग, और अगर मैं फ्रॉग होता तो मैं मड होल में रिवर बैंक के रहता। रिवर बैंक मतलब क्या होता है, जो फ्रॉग्स होते हैं वो जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं, वहीं पर वो रहते हैं मड में, मड मतलब कीचड़ में। I might have been a tiny bird and live inside a nest. अगर मैं एक टाइनी बर्ड होता तो मैं नेस्ट में रहता। आप सभी को पता है जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, they made their nest और वो वहीं पे रहते हैं, nest is their home. But oh, I am glad, I am just a child, I think my home is best. मगर ये तो बहुत ही ग्लैड की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक चाइल्ड हूँ, मैं एक बच्चा हूँ और मेरा घर ही सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पे ये बच्चा भी अपने सोफे में बैठ के सोते हुए ये सब कुछ सोच रहा है कि एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं मगर सबसे बेस्ट होम मेरा ही है। थैंक यू।